ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो बेटा, इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, हमारे पास दो कैपेसिटर होंगे, एक की कैपेसिटेंस C1 होगी, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 होगी। पहले हम इन दोनों कैपेसिटर्स को अलग अलग सेपरेटली चार्ज करेंगे। जब हम इन्हें सेपरेटली चार्ज कर रहे होंगे तो इसके अंदर अपनी कोई एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, और इसके अंदर भी अपनी एनर्जी स्टोर होगी। अब जब एक बार ये फुली चार्ज हो गए, ठीक है, उसके बाद हम दोनों इन्हें कनेक्ट कर देंगे आपस में। और जो वो कनेक्शन होगा वो होगा कैसा, वो कनेक्शन होगा पैरेलली। ओके, ये तो हमारा काम है जो हमने बताया, पहले इन्हें सेपरेटली चार्ज करना है, उसके बाद उन्हें कनेक्ट कर देना है इन पैरेलल। नाउ द पॉइंट इज, ऐसा करने से होता क्या है। देखिए, जब आप इन दोनों कैपेसिटर्स को इनिशियली चार्ज कर रहे होगे, तब इनका अपना अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल होगा V1 एंड V2, है ना। व्हेन C1 एंड C2 आर इनिशियली चार्ज टू द पोटेंशियल V1 एंड V2 सेपरेटली, लेकिन जैसे ही आपने इन्हें कनेक्ट किया इन पैरेलल, तो दोबारा से यहां पे क्या होगा। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर तो दोनों कैपेसिटेंस के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है। इतनी देर से हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, हमें पता चल चुकी है ये बात कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाता है। लेकिन ये सेम पोटेंशियल होगा कैसे, इनका कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये कॉमन पोटेंशियल पाने के लिए चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आपको क्या मिलता है, एक कॉमन पोटेंशियल मिलता है ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अमंग द कैपेसिटेंस, मतलब दोनों कैपेसिटेंस के बीच में दोबारा से चार्ज इधर से उधर या उधर से इधर जाएगा, एक कैपेसिटेंस से दूसरे कैपेसिटेंस वो जाएगा। अब जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो ये मूव कैसे करेगा, ये चार्ज मूव करेगा थ्रू द वायर्स जिनसे आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब भैया, जब वो चार्ज वायर्स के थ्रू मूव कर रहा है तो उसमें अपना थोड़ा बहुत तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस लग ही रहा होगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी का लॉस होता है। आफ्टर कनेक्शन आपका थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ आया किस फॉर्म में आपका हीट लॉस होता है, सॉरी एनर्जी लॉस आपका किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में। चलिए, अगर इतना समझ आया तो आप इस डेरिवेशन को करना शुरू करते हैं। जितनी चीजें मैंने बोली एक एक करके करेंगे उन्हें। इनिशियल कंडीशन, ठीक है, मतलब व्हेन दे आर सेपरेटेड, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ, फॉर कैपेसिटेंस 1 चार्ज कितना होगा जो उसके अंदर स्टोर होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इक्वल टू C2 V2। ओके, ये हो गया। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और इसके पास कितनी होगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। चलिए, ये हो गया हमारा पहला काम। अब नाउ दे आर कनेक्टेड, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब जब आपने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया, तो अभी अभी हमने पढ़ा है पैरेलल कनेक्ट करते समय क्या चीज आपकी, मान लीजिए यहां पे मैं करके दिखाता हूं, यहां पे मेरा टोटल चार्ज क्यू है, वो दोनों पे डिवाइड होके Q1 और Q2 जाएगा, बट टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा। हमें निकालना क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ओके, ठीक है, लेट इट सी क्लियरली। हमें क्या पढ़ना है, कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यही होगा। टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस, भैया जब पैरेलल कनेक्ट है दोनों कैपेसिटेंस, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी फाइनल वैल्यू को लिख देता हूँ। तो ये है मेरा कॉमन पोटेंशियल V, इट विल बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया मेरा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला।
समझ आया सही बच्चों को? ये निकल गया मेरा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कब, जब मैंने उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये पता करना कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। ये सारी चीज़ें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ही कर रहे हैं, ओके। चलिए, पहला काम तो हो गया हम लोगों का, हमें क्या मिल गया, कॉमन पोटेंशियल मिल चुका है। अब हमें किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, द लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, ओके बच्चों। नाउ फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी हमें क्या चाहिए, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही करना है। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल टोटल एनर्जी जो होगी वो कुछ ये होगी, हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर पहले कैपेसिटेंस के लिए और दूसरे कैपेसिटर के लिए हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर, ये हो गई मेरी इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी, अब आपने उन्हें क्या किया है, कंबाइन कर दिया ना आपस में, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो बिल्कुल हाफ का हाफ रखेंगे। टोटल कैपेसिटेंस कितना था, सी वन प्लस सी टू हो गया था जब आपने उन्हें पैरेलल कंबाइन किया। उसके अलावा वी क्या है, कॉमन पोटेंशियल, चलिए अभी इसे वी ही रहने देते हैं। बस अब इसमें से इसे आपको माइनस कर देना है, इसमें से इसे माइनस करना है। मैं इस एक्सप्रेशन को पहले यहीं पे थोड़ा और सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पे पुट करने से पहले, हाफ सी वन प्लस सी टू, कॉमन पोटेंशियल वी है जब आपने उन्हें पैरेलल कंबाइन किया, इसकी वैल्यू पुट कर दो, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो नीचे इसके होल स्क्वायर से ये कट गया, आपके पास कुछ ये टर्म बचेगा, हाफ वन बाय सी वन प्लस सी टू, ओके। नीचे इसका जो होल स्क्वायर था उससे एक टर्म कट जाएगा, ऊपर इसके होल स्क्वायर को ओपन करता है, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, ओके, क्लियर हुआ। ये आपकी निकली है फाइनल एनर्जी, बस अब वैल्यू को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका डेल्टा यू मतलब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ वन बाय सी वन प्लस सी टू, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू। बच्चों हाफ को आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि तीनों के पास है, और सी वन सी टू को इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ओवरऑल एलसीएम लेने के लिए। हाफ बाहर निकाल लिया मैंने, मैं सी वन सी टू को भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये सी वन सी टू में हर एक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर प्लस सी वन सी टू वी वन का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, एलसीएम लिया बेटा, कोई और चीज़ नहीं की, ठीक है। अब इसके साथ करो, प्लस सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर, ओके। यहाँ तक के टर्म्स हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद, अब ये बचे हुए तीन टर्म, माइनस सी वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर माइनस सी टू का स्क्वायर वी टू का स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू। बेटा ओवरऑल कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से करना, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हुआ, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, सी टू वी टू का स्क्वायर सी टू वी टू के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, तीन टर्म बचेंगे, एक दो तीन। अब इन तीन टर्म्स के अंदर भी आपको क्या चीज़ कॉमन दिखती है, सी वन सी टू सी वन सी टू एंड सी वन सी टू, इसको भी बाहर निकाल के लिख दें। चलिए तो देखते हैं डेल्टा यू का ओवरऑल एक्सप्रेशन बना क्या, हाफ सी वन सी टू सबके ऊपर कॉमन निकल गया, सी वन सी टू अपॉन में ये वाला टर्म अपॉन में था, सी वन प्लस सी टू, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा वी वन का स्क्वायर फिर वी टू का स्क्वायर फिर यहाँ का क्या बचा, माइनस टू वी वन वी टू माइनस टू वी वन वी टू, ओके।
एक लास्ट लाइन और आपका एक्सप्रेशन पूरा हो गया, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। अब इसके न्यूमेरिकल ये नहीं है कि डायरेक्टली इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपका एक एक्सप्रेशन था फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों का ये मेंशन नहीं है, सीबीएसई के अंदर नहीं आता, ठीक है, बट यू कैन सॉल्व दैट इन द सेम वे। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया यहाँ पे जो ये एनर्जी लॉस हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। कब हो रहा है? जब आपका चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना बच्चों। ये एक्सप्रेशन रेयरली, वैसे पिछले कुछ सालों में पेपर में पूछा नहीं गया, बट आ जाता है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। सिर्फ मैथ है, ओवरऑल इसके अंदर सिर्फ मैथ ही अप्लाई हो रही है और कोई चीज़ नहीं है। आप कैलकुलेट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो बच्चों, इनिशियली क्या किया आपने, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी? पहले कैपेसिटर की हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर, दूसरे की हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर, ठीक है। फाइनल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, वन बाई टू सी वी स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी कब निकाली जा रही है? आफ्टर कॉम्बिनेशन, जब उनको आपने कंबाइन कर दिया है। अब जब आपने कंबाइन किया तो सी वन सी टू टोटल कैपेसिटेंस और पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल वी का स्क्वायर। कंबाइन होने के बाद कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आपने पुट की, सी वन सी टू का नीचे देख लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर होगा तो उसके स्क्वायर से ये वाला कट गया, केवल नीचे एक सी वन सी टू बचा और ऊपर वाले का मैंने होल स्क्वायर कर दिया पूरे में। उसके बाद इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, बीच में माइनस का साइन। एलसीएम लिया यहां पे और सी वन प्लस सी टू और हाफ को बाहर कॉमन निकाल लिया। उसके बाद आगे सॉल्व किया, तीन टर्म कैंसल आउट हो गए, सी वन सी टू कॉमन निकला, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू बना। ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। चलो इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके बच्चों, अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में कंसिडर किया जाता है फॉर दिस चैप्टर, ठीक है, और जो आपके पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ फिनोमिना, बिकॉज थोड़ा लंबा है। सबसे पहले क्वेश्चन ही सही से पढ़ना होता है इसमें। सबसे पहले आपको एक कैपेसिटर दिया गया है, उसे चार्ज किया गया 300 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। उसके बाद उस बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद यही चार्ज कैपेसिटर जो आपने अभी अभी जिसको चार्ज किया, इसको कनेक्ट किया गया एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जो कि अनचार्ज था, जिसके अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था। तो अब ये अनचार्ज कैपेसिटर जब इस चार्ज कैपेसिटर के साथ जुड़ेगा तो चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब दोबारा से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे हमने अभी अभी डेरिवेशन के अंदर भी देखा, तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। हमें वही लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। आंसर वैसे मैंने लिख दिया, अगर आप ट्राई करना चाहते हो खुद इसे एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स आई विल सॉल्व। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले करते क्या है, ये जो इस इनिशियली हमें कैपेसिटर दिया गया है और इस अनचार्ज कैपेसिटर को जरा डिनोट कर देते हैं पहले, ठीक है। जो मेरा इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, इसे मैं वन से डिनोट करता हूँ और अनचार्ज वाले को मैं टू से करूँगा, ओके, ताकि आपको आगे क्वेश्चन समझने में मुश्किल ना हो। अब भाई इनिशियल एनर्जी निकालनी है हमें सबसे पहले, तो वो तो इस सिंगल कैपेसिटर की ही होगी, ओके। ज़रा इस कैपेसिटर के लिए बात कर लेते हैं। जब ये 200 पिको फैराडे का कैपेसिटर था, इसे 300 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना स्टोर हुआ होगा, क्यू इक्वल्स टू सी वी। अब 200 पिको फैराडे मतलब 200 इंटू में 10 की पावर माइनस 12, इसको 300 वोल्ट से करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 × 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ओके। इसी तरह आप इसका एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, हाफ सी कितना है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12
ओके okay, उसके बाद वी स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, 3 3 9 और ये 4 0 हो गए, 9, ये 2 से 2 कटा तो आया आपका ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे आपका आएगा 9 × 10⁻⁶ जूल। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, वैसे यही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो निकल गया इनिशियली। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की। ठीक है, देखो जब इस चार्ज कैपेसिटर को जोड़ा जा रहा है, मैं भी वन वाले कैपेसिटर, कैपेसिटर वन को कैपेसिटर टू से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों आपस में कनेक्ट किए गए तो इनके बीच दोबारा से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं आप लोगों के पास। कोई भी दो आपने डिवाइस लिए, उन्हें आपने कनेक्ट किया आपस में। ठीक है, तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक वो दोनों अंटिल बोथ ऑफ देम हैज रीच द सेम पोटेंशियल, जब तक दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल नहीं आ जाता। ओके चलो मैं मान लेता हूं कि अब इनका सेम पोटेंशियल आ चुका है, मतलब मेरा जो V1 है और जो मेरा V2 है वो इक्वल हो चुका है। ओके V1 और V2 इक्वल हो चुका है, चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो टोटल चार्ज तो यही होगा ना, क्योंकि एक ही कैपेसिटर चार्ज हुआ है, यही है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है। चलो देखते हैं दोनों पे डिवाइड होने के बाद कितना कितना चार्ज बचेगा। ओके इसलिए मैंने इसे टोटल चार्ज की फॉर्म में क्यू लिखा है, ना कि Q1। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन मैं कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनाता हूँ, इसका Q1 C1, इसका Q2 C2। Q1 और Q2 अभी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ ये जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, मतलब ये जो Q1 और Q2 है इनका सम मिलके Q आएगा। इस Q की वैल्यू है 6 × 10⁻¹। चलो इसको सॉल्व करें, Q1 अपॉन में C1, C1 है 200 पिको फेराडे, Q2 अपॉन में C2, C2 कितना है 100 पिको फेराडे। यूनिट नहीं लिख रहा मैं, कैंसिल आउट होने के बाद 2 बचेगा। यहाँ से इक्वेशन बनेगी Q1 = 2Q2। ओके इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 2Q2 + Q2 = Q, 3Q2 = Q, क्यू की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻¹। इसका मतलब जो Q2 चार्ज है वो कितना होगा 2 × 10⁻¹ कूलम। ओके और Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10⁻¹ कूलम। टोटल चार्ज देख लो यही है ना अभी भी। तो बस बेटा आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, अब इसको समझो बच्चों। यहाँ पे आपने चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको ये भी पता चल गया कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सेम पोटेंशियल पे आने पे दोनों कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज गया होगा। बस अब आपको करना क्या है, फाइनल एनर्जी तो निकालनी है। फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी हाफ Q1 का स्क्वायर अपॉन C1, हाफ Q2 का स्क्वायर अपॉन C2। ओके वैल्यू सारी सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, आपको आपकी फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। फाइनल एनर्जी को मान लो मैं U2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, या UF से। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी, उस समय कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं था, अगर मैं पुट भी करता तब भी उसका आंसर 0 ही निकलता। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं करके दिखा देता, अगर इनिशियली अगर मैं करता तो पहले वाले में क्या होता, सिर्फ हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी ही तो आता है ना, दूसरा कैपेसिटर तो 0 था, तब तो उसके पास चार्ज था ही नहीं, वो तो अनचार्ज था स्टार्टिंग में। हमने अभी अभी क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि वो अनचार्ज कैपेसिटर है, देख लीजिए यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं है, आपका UF फाइंड आउट हो गया है, आपका U इनिशियल भी फाइंड आउट हो गया है। वैल्यूज आप लोग सब्सिट्यूट कर लीजिएगा, वैल्यूज आप जैसे ही सब्सिट्यूट करेंगे उसके बाद आप इसे इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, Δ U = UF - UI, UF - UI। अब बताओ बेटा कोई भी आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। बेटा अगर आपने UF - UI किया ना तो आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि हमें पता है लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसका मतलब UI की वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना माइनस आने पर डरना मत। अगर आपने UI - UF कर दिया तो आपका पॉजिटिव में आएगा, अगर UF - UI कर दिया तो नेगेटिव में आएगा।
ठीक है, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी हमेशा लार्ज निकलेगी बिकॉज आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इनिशियल एनर्जी फाइंड करो, ठीक है, इनिशियल चार्ज फाइंड करो, फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो जब तक उनका सेम पोटेंशियल ना आए। सेम पोटेंशियल आने के बाद किस पे कितना चार्ज होगा ये निकाला जाएगा कि जो टोटल चार्ज था आपका वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन से फिर आप टोटल एनर्जी भी निकाल लोगे, टोटल फाइनल एनर्जी भी निकाल लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, आपको आपका डेल्टा यू फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ हर एक को, ठीक है। देख लीजिए दोबारा से ये क्वेश्चन, रिपीट करके दोबारा से एक बार चेक कर लेना, आप लोगों का आंसर 3 × 10⁻⁶ जूल ही आना चाहिए, ठीक है। किसी का ना आए तो फिर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया आपने कहीं पे कुछ गलत बताया, मेरा आंसर 3 × 10⁻⁶ नहीं आ रहा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो वहाँ पे एरिया और डिस्टेंस, ये दो फैक्टर पे मैंने फोकस किया था, मीडियम के बारे में वहाँ डिस्कस नहीं किया था ज़्यादा। अब ओवरऑल पूरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, जिसमें हम बेसिकली मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, उसके ऊपर बेस दो डेरिवेशन होंगी, कंडक्टिंग स्लैब की और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, प्लस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसके भी होंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।